guys, once again, welcome back to my another video and welcome back to my channel, Computing with Anya. So I hope so that you all are fine and safe at your homes. So friends, actually मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मुझे चैप्टर टू के लिए थोड़ा वर्क करना था जो कि अब फाइनली हो गया है पूरा. सो चैप्टर वन जो है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया है एंड नाउ इज Chapter 2, Types of Computer. So today is once again, we are back to our first day. Okay, it's surprising. Okay, so friends, आज आप लोगों के लिए एक surprise है that अब मैंने Microsoft में नहीं बनाई है presentation अपनी, अब मैंने बनाई है Microsoft PowerPoint में. So पहले तो मैंने थोड़ा realize करा कि मतलब वर्ड में क्या होता था कि आपको स्क्रॉल करना पड़ता था, पर अब इसमें क्या है, जस्ट आप करते रहो. खैर, इसमें मैंने एक एनिमेशन और ऐड करी है जो कि इस प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा दिखाती है. सो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल. So without any other time and without wasting our time, let's get started. So here I'm on. Okay, so here our presentation come. So let's go. Here we are having our chapter 2, types of computers. Computers are used in various fields for different uses. They are categorized into four types based on their size, performance and cost. It means जो computers होते हैं ना वो अपने various field में अपने different uses से use करे, मतलब जाने जाते हैं, use करे जाते हैं, ठीक है. तो जो computers होते हैं ना वो तीन चीज़ों के base पर उन्हें हमने चार category दी हैं, जो कि है size, performance and cost. So now let's move on to our topics. Okay. So here our first topic is microcomputers. Microcomputers are smaller in size and capabilities. It means जो microcomputers होते हैं ना वो size में small भी होते हैं और capabilities में भी small होते हैं. मतलब इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती उसकी और दे आर जनरली यूज इन स्कूल्स, ऑफिसेस, शॉप्स, एडीसी. जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर या तो स्कूल में यूज़ होते हैं या ऑफिसेस में या शॉप्स में. शॉप्स में फॉर द बिलिंग्स ऑफिस, फॉर द वर्क, स्कूल्स फॉर प्रैक्टिकल्स, टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब. They are the most popular and multi-purpose computers. वो सबसे popular है, मतलब सबसे ज़्यादा popular है. माना छोटा size होता है, छोटी capabilities होती है, but सबसे popular है. और इसके बहुत सारे, मतलब इस computer में बहुत सारे multi-purpose computers होते हैं. खैर, कहते हैं कि छोटा packet बड़ा धमाका, तो बस यहाँ पर वही है. These computers are cheapest as compared to mainframe computers, mini computers and super computers. So इन तीनों के बारे में भी हम जानेंगे, पर अभी नहीं, बाद में. So ये जो computers होते हैं micro computers, वो mainframe, mini and super computers से बहुत ज़्यादा, मतलब cheapest होते हैं, उनसे सस्ते होते हैं अगर हम उसे compare करें. माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, पी सी वर्ड तो आपने सुना ही होगा कि ये मेरा पी सी है, ये मेरा पी सी है. सो कभी आपके मन में जागा होगा कि पी सी आखिर होता क्या है. सो खैर, कुछ लोग तो, मतलब मेरे दिमाग में भी पहले आता था, कुछ लोगों के दिमाग में आता ही है, कुछ क्या, हर एक के आता है. सो माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी भी कहते हैं. एग्जांपल्स आर जस्ट लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स. यानी एग्जांपल होते हैं जैसे जो डेस्कटॉप होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं एंड टैबलेट्स होते हैं, मतलब टैब्स. सो ये सब ना
माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। डेस्कटॉप आर कैप्ड ऑन अ डेस्क एंड नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। एंड जो डेस्कटॉप होता है तो उसे डेस्क पे रखते हैं एंड इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। एक्चुअली वो ज़्यादातर मतलब रखा ही डेस्क पे जाता है। लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स कैन बी कैरीड अलोंग एंड वर्क ऑन चार्जेबल बैटरीज। जो लैपटॉप्स एंड टैब्स होते हैं ना तो फिर वो ले जा सकते हो कहीं भी और उनमें चार्जेबल बैटरी होती है, इवन वायर वगैरह भी होते हैं। जस्ट लाइक मेरे में तो वो है, चार्जर है, मेरे में बैटरी भी है बट इट नीड्स इट्स नीड चार्जर एवरीवेयर। ये मत सोचना कि बैटरीज होती हैं कभी ख़त्म नहीं होगी और कि चार्जर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसमें, नहीं पड़ती है, टैब्स में भी पड़ती है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर टॉपिक दैट आर मिनी कंप्यूटर्स। ओके, सो मिनी कंप्यूटर्स आर मोर केपेबल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ना वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा केपेबल होते हैं, यानी वो ज़्यादा उनमें ज़्यादा केपेबिलिटीज होती हैं। दे आर फास्टर एंड हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन द माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स से फास्टर होते हैं, ठीक है, और उनमें एक्स्ट्रा उनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है यानी जो स्टोरेज होती है वो भी उससे माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड लेस दीज डेज, यानी अब जो होता है ना अब का टाइम में जो ये कंप्यूटर्स होते हैं मिनी कंप्यूटर्स वो कम यूज़ होते हैं, यानी इतना यूज़ नहीं होता। और कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, सम एग्जाम्पल्स आर PDB-11, K-202, etc. सो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं मिनी कंप्यूटर के दैट आर PDP-11 एंड K-202 etc. सो ये जो मैंने पिक्चर लगाई है ये है PDP-11 की। अगर कुछ लोगों ने देखा तो उन्हें बताकर कोई खैर फायदा नहीं है वैसे, बट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैंने ये लगाई है दैट इट इज PDP-11। Now let's move on to another topic that are mainframe computer, which is the last topic of today's session or video. So let's move. Mainframe computers are more capable computers. जो mainframe computers होते हैं वो सब मतलब वो ज़्यादा capable होते हैं, यानी उसमें ज़्यादा capabilities होती है, वो ज़्यादा capable computers हैं। They are larger in size, faster and more expensive than mini computers. So ये तो होता ही है कि जिसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं वो चीज़ एक्सपेंसिव होती है, जिसमें इतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। So यहाँ पर भी वही बात है, ये साइज में बहुत बड़ा है मतलब लार्ज है, फास्ट काम भी करता है, पर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स भी पढ़ रहे हैं एंड द फोर कैटेगरीज भी पढ़ रहे हैं। सो गाइस मुझे ये ज़रूर बताना कि आपका जो पीसी है जो कि आप अपने होम या स्कूल में यूज़ करते हो, एक्चुअली अभी जो स्कूल के है कोई जा ही नहीं रहा है, वेल तब भी होम एंड स्कूल में जो आपका यूज़ होता है सो वो पीसी कौन सा है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वांट टू नो। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। ओके, दीज आर मोस्टली यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नीड्स टू बी स्टोर्ड। इसका मतलब ये होता है कि ये ज़्यादातर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती है जहाँ पे कि ज़्यादा ज़रूरत मतलब डेटा को स्टोर करने, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि बैंक हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए एंड ETC। एग्जाम्पल्स आर ICL-39,
IBM 4381, Hitachi ZAD, IBM Z3080. सो अभी जो आपके सामने पिक्चर मैंने लगाई है सो वो है IBM Z13 की. सो आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं. वेल बाय फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.